हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ससी संस्कृत। आज के वीडियो में हम देखेंगे गणित पैडागोजी के 20 प्रश्न। देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विभाजन ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर है, रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शून्य की खोज किसने की थी? आंसर है, आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पाई का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर, आर्यभट्ट प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर फोर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? एक। क्वेश्चन नंबर फाइव, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? जीरो। दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना होगा? तो एक होगा। क्वेश्चन नंबर सात, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएँ होती हैं? आंसर है, अनंत। क्वेश्चन नंबर आठ, गणित को विज्ञान का नौकर माना गया है? आंसर, वेल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर नौ, गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है, किसने कहा है? आंसर, गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर दस, किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? आंसर, हमवेन ने। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? आंसर है, बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है? आंसर है, खेल मनोरंजन विधि। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? आंसर, व्याख्यान विधि में। क्वेश्चन नंबर 14, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? आगमन विधि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, ज्यामितीय का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर, मापन से। क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ है खोज करना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? आंसर, संश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 19, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? विश्लेषण विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।